सालों के बाद यहाँ आया, लेकिन लगता है कि ये जगह बिल्कुल नहीं बदली है अब तक। आपने ठीक कहा। मुसाई, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? बस दीदी, बहुत कुछ ठीक नहीं है। ये क्या बात हुई मुसाई? तुम मॉम डैड से मिलने जा रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसे मैं बहुत खुश हूँ। आया नहीं, सूखा ठीक है। ऐसा करती हूँ, ये वाला पहनती हूँ। लगता है आ गए। ये तो गलत बात है। मुझे पता था आप ऐसा ही करेंगी, इसलिए हमने सोचा इस बार हम आपको डराए। तुम सबका स्वागत है। अरे शिनचैन, तुम इधर आ जाओ मेरे पास बेटा, इधर आ जाओ। हेलो नाना जी, आप इतने दिनों से मुझसे मिलने के नहीं आए। क्या कर रहे हो शिनचैन? और बताइए कैसे हैं आप, कैसे चल रहा सब कुछ? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? हिमा भारी, तुम कैसी हो बेटी? मुसाई, चलो अंदर चलो। हेलो डैड, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं डैड? ये क्या बात हुई, डैड से इतने दिनों के बाद मिली हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता कि डैड से कैसे मिला जाता है? बहुत गलत बात है। ऐसी बात नहीं है डैड। और मिस्सी, तुमने इसे कुछ सिखाया नहीं? कम से कम इसे नमस्ते कहना तो सिखा देती। अरे इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने सिखाने की बहुत कोशिश की, पर आप इसे जानते हैं ना। हाँ हाँ, मॉम ने बहुत कोशिश की। मिस्सी, कम से कम हिरोशी को चाय तो दे दो। हाँ बात ठीक है डैड, क्योंकि मैं भी आती हूँ। समझाओ, कोई नहीं समझता। अच्छा ये तो बताइए डैड कि यहाँ का मौसम आजकल कैसा रहता है? हिमावारी, मैं भी हूँ। हाँ शिनचैन, तुम भी बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं कुछ भी कर लूँ पर डैड मुझसे कभी खुश नहीं रहते, वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। मुसाई, बाद में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ठीक है? आपको क्या बात करनी है मॉम? अरे ये सब क्या है मॉम, इतनी सारी फाइल्स? उनके यहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। जॉब कर रही हूँ ना मॉम, मुझे इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? अब तुम्हें एक बार मुझसे बोलना चाहिए। मॉम ठीक कह रही है मुसाइबा जी। मैं सब समझ गई, आप सब यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ पे रहूँ और यहाँ रहकर नौकरी करूँ, पर मेरी जॉब अच्छी है, मैं उसे नहीं चाहती। मॉम की बात मानकर यही कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। मॉम ठीक कह रही है मुसाई, यहाँ नौकरी करोगी तो कम से कम मॉम डैड के साथ रह सकोगी। तुम दूर रहती हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। मैं अपना अच्छी तरह रख सकती हूँ मॉम। मुसाई तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। मिस्सी के साथ रह रहकर तुम भी बिल्कुल इसकी तरह ही हो गई हो। ये मिठाई तो वाकई बहुत बढ़िया है डैड। मुझे बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, हिमावारी को ये पसंद नहीं आया। शिनचैन, जरा मुझे दिखाओगे? मॉम, मैं यहाँ नहीं रहूँगी और ना ही यहाँ कोई काम करूँगी, और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये मेरा आखिरी फैसला है, ठीक है? तुम इतनी जल्दी किसी फैसले पर कैसे पहुँच सकती हो? थोड़ा बहुत काम करके तो देखो। मैं जो काम कर रही हूँ उससे खुश हूँ, लेकिन इनके यहाँ तुम्हें महीने में सिर्फ 15 दिन ही काम करना होगा। इनकी कंपनी भी अच्छी है, देखने में तो लग रहा है। पता है जिन्हें तुम्हें अच्छी तरह से जानती भी हूँ, तो मेरे कहने पर ये तुम्हें नौकरी जरूर दे देंगे। बस तुम्हें एक बार इनसे जाकर मिलना होगा और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। एक बात और, तो ऑफिस हमारे घर से दूर भी नहीं है। अरे हिमावारी, तुम क्या कर रही हो? अरे नहीं, तुमने सारे फोटोज निकाल दिए। कितनी पुरानी फोटो है ये? ये करीब 10-12 साल पुरानी है ना। बिल्कुल ठीक कहा। अरे इनमें से मॉम कौन सी है? मैं बताती हूँ शिनचैन, ये मसाई मासी, ये तुम्हारी मॉम और ये मैं। यकीन नहीं होता कि आप दिनों में इतना प्यार था। तुम्हारा मतलब क्या है?
जानते हो हम लोग ब्यूटीफुल सिस्टर्स के नाम से बहुत मशहूर थे। क्या कहा? ब्यूटीफुल सिस्टर्स। पर मेरी बचपन की फोटोज इतनी कम क्यों है? ऐसी बात नहीं है, मेरी भी बचपन की बहुत कम फोटोज है एल्बम में, क्योंकि हमारे घर तुम्हारे जैसा अच्छा फोटो खींचने वाला कोई नहीं था ना। पर मैं तो हमेशा से आप लोगों के साथ ही हूँ। लेकिन तब तुम बहुत छोटी थी। अरे ये कौन है? ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और बहुत मस्ती भी करते थे। कभी कभी वो हमारे साथ खेलने आया करता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा। पता नहीं। कल हम लोग घूमने जाएंगे, हो सकता है हमें कोई पुरानी जान पहचान वाला दोस्त मिल जाए। मुसाई बिल्कुल नहीं। ये भी क्या बात हुई, अभी तक तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ? और क्या दीदी, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। बहुत बातें हो गई, पहले हम लोगों को कुछ खा लेना चाहिए। सुनिए, सिर्फ मुसाई एक बार नौकरी के बारे में फिर से सोच लो, हम लोग तुमसे बड़े हैं तो तुम्हें हमेशा सही सलाह देंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? मुसाई चाय लेकर आओ। मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी। आप लोगों को पता भी है मैं जो काम कर रही हूँ उससे मुझे एक दिन कितनी तरक्की मिलेगी। मैं एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर बन जाऊंगी, तो फिर मैं यहाँ वापस क्यों आऊँ? तुम बहुत दिनों से हम लोगों से दूर रह रही थी, इसलिए हमने सोचा तुम यहाँ नौकरी करोगी तो अच्छा रहेगा। अब मान भी जाओ वो सही, कुछ दिन यहाँ नौकरी करके देख लो, अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देना। मैं भी हमेशा से बड़ों की बात मानती आई हूँ। मैं भी तो बिल्कुल आता ही गया हूँ ना। मुसाई अब बस तुम ज्यादा मत सोचो, मुझे जल्दी से बता दो। मैंने मना किया ना। बहुत सारी जॉब्स हैं, खुद देख लो तुम्हें कहाँ नौकरी करनी है। आप लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? रुकिए मैं बताऊंगा। ये लो। अरे वाह मुसाई, इनकी कंपनी तो काफी मशहूर है। इनकी कंपनी में हमारी जान पहचान के बहुत लोग हैं। मुझे करनी होती जॉब तो मैं यहाँ जरूर करती। इनकी कंपनी कैसी रहेगी? मुझे लगता है तुम्हें इनके यहाँ नौकरी करनी चाहिए, ये सैलरी अच्छी दे रहे हैं। नहीं इनके यहाँ करनी चाहिए। मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी। भाई तुम्हें एक बार ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए। मैं जो भी बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। मुसाई इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। तुम कभी भी हमारी बात मानती क्यों नहीं हो? आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं सबसे समझा रही हूँ, मुझे नौकरी नहीं करनी नहीं। देखिए ना, ये हमारी बात तो मान ही नहीं रही है। लेकिन तुम इसे बात में भी तो समझा सकती हो। मेरे ख्याल से हमें इसे इसी समय समझाना होगा, नहीं तो ये भी अपनी बड़ी बहन की तरह हो जाएगी। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? जल्दी जाइए। वैसे तुमको नई जॉब तो करनी ही चाहिए। मैं नई जॉब नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपने काम में एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन तुमने तो अभी अभी काम शुरू किया है। तो क्या हुआ, मुझे तो अपना काम अच्छी तरह आता है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। ये हमेशा की तरह फिर से भाग गई। ये अब तक वैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली है। अगर वो नहीं करना चाहती तो रहने दो। नहीं, उसे यही काम करना होगा। चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आती हूँ, शायद इससे थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। मैं भी चलूंगा। हाँ शिनचैन तुम? मैं जायवाजी और कहाँ जा रही है? पता नहीं। आइडिया, शिनचैन क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर कहीं घूमने चले? मुझे तो घूमना बहुत ज्यादा पसंद है मिसाइल मासी। हाँ पता है शिनचैन, इसीलिए तो चल रहे हैं। पता है इस खम्बे के पास खड़े होकर हम लोग बहुत सारी फोटोज खिंचवाते थे, अच्छी फनी फोटोज। हम सारे दोस्त यहाँ घंटों खड़े रहते थे और यहाँ खड़े रहकर बातें किया करते थे। ये वही पेड़ है जिस पर मुझे आकर बैठना बहुत अच्छा लगता था। खुश हूँ या दुखी हूँ, मैं आकर बस यहाँ बैठ जाती थी।
मैं इस पेड़ पे बैठ के पूरा शहर देखती थी और मुझे बहुत सुकून मिलता था। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ घूमने के लिए तो छोटी जगह है। नहीं नहीं शिनचैन, मेरा स्कूल भी है। ये देखो, ये है मेरा स्कूल। वैसे यहाँ पर हम तीनों ही बहनें पढ़ा करते थे। प्रोटीफुल सिस्टर्स एक ही स्कूल में जाती थी। ब्यूटीफुल सिस्टर्स शिनचैन, हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अरे ये क्या, ये स्कूल तो पूरा बदल गया है। पूरा का पूरा बदल गया। अब तो पुराने जैसा कुछ भी नहीं है। हमारा स्कूल अब पहले जैसा नहीं रहा। ये इन्होंने क्या कर दिया? वैसे पहले कैसा होता था मसाई मासी? यहाँ पे बहुत सारे झूले हुआ करते थे शिनचैन, और हम उन झूलों पे बहुत मस्ती किया करते थे। काश मैं भी वो देख पाता। कोई बात नहीं शिनचैन, कोई बात नहीं। अरे तुम मसाई हो ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तुमसे इतने साल बैठा हुआ क्या देख रहा है? मुझे भी नहीं हो रहा है। वैसे पर्दा खोलने में देख रहा हूँ। शिनचैन ये वही है जिनकी फोटो मैंने तुम्हें दिखाई थी, और ये गुरिपा है। खुशी हुई फोटो वाले भैया। बचपन वाली फोटो, फनी वाली? नहीं नहीं, मेरे पास तुम्हारी कोई फनी फोटो नहीं है, सारी अच्छी फोटोज हैं। मैं सच कह रहा हूँ, आपके पास ही है वो फोटो। साई जैसी तुम स्कूल में थी, आज भी बिल्कुल वैसी हो। बिल्कुल नहीं बदली, अभी वैसी है जैसी बचपन में थी। चुप रहो शिनचैन। अरे माँ क्या बात है, क्या खाना बनाता हूँ मैं, खिलाता हूँ मैं। आओ और खाओ, पसंद आए तो तारीफ करना, नहीं आए तो तारीफ करना। हाँ ले लो तुम्हारा खाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें शिनचैन नहीं मिल रहा? तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था। हाँ दीदी, पर मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पर मेरे हाथ का बना खाना सबको पसंद आता है। आप तो कमाल के हैं अंकल। मैं यहाँ का नंबर वन शेफ हूँ। मैं जो भी बनाता हूँ वो लोगों को पसंद ही आता है। तुम्हें भी आया ना? इतना अच्छा सूप मैंने कभी नहीं पिया। वैसे तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बताओ तुम कहाँ से आए हो? कैसे काबे से?
कासू कहाँ पे? तुम कहाँ रहते हो? अपने मॉम डैड के घर पर। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं? जहाँ पर रहते हैं। सर, आपको जल्दी से बार्बर के पास जाना है, कल का दिन बहुत जरूरी है ना, इसलिए। ये कौन है? पता नहीं कौन है, शायद ये बच्चा गुम हो गया है। सुनो बच्चे, तुम यहाँ पर किसके साथ आए हो? मुसाई मौसी। मुसाई मौसी मेरी मौसी है। मुसाई ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं, मुसाई सीधा नौकरी पे जाएगा। लेकिन वो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुप रहो। ठीक है डैड, अपने साथ कंपनी के इंटरव्यू लेटर्स लेकर आई हूँ। मुसाई, तुम इन्हें पहले अच्छे से देख लो और समझ लो कि तुम्हें कहाँ नौकरी करनी है, इनकी कंपनी में या फिर इनकी कंपनी में। फिर से नहीं, समझते क्यों नहीं, मैं आप सबको पहले ही कह चुकी हूँ। लेकिन ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, अब कुछ भी नहीं हो सकता। कोई बहाना नहीं चलेगा। पर सुनिए तो मुसाई, कम से कम इस बार तो मेरी बात को मान लो। शुक्रिया। मेरे हिसाब से तो तुम्हें यही नौकरी करनी चाहिए। मन्ना लगी तो मेरे पास वापस आ जाना। कैसे समझाऊं इन लोगों को, सारे तरीके अपना के देख लिए पर कुछ नहीं हुआ, क्या करूं मैं? ये काम तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जॉब ना छोड़ना चाहूँ। लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मैं